Hello guys, this is Prashant and welcome to my channel. Today I will tell you the specifications of zx10r and give you my reviews on the basis of my experience till now. Let's start with specification. Sabse pehle engine. 998cc ka engine hai, inline 4 hai, 200 bhp hai without ram air, and with ram air it's 210 bhp. Now what is ram air? Bike ke front mein ek opening hai jiske through air jo hai wo directly engine mein jati hai. Isi excessive air ki wajah se bike ki 10 bhp badh jati hai. ₹114 Nm of torque at the rate 11,500 rpm. As they say, with great power comes great responsibility. So power ke baad most important part is brake. Front mein dual disc hai, 330mm of Brembo, which is best in class. Rear mein single disc hai, 220mm. Now let's come to suspension. It comes with Showa suspension. Front suspension consists of 43mm inverted balanced free fork, fully adjustable. Rear suspension consists of horizontal back link with balanced free gas charge shock, fully adjustable. Now after the suspension, let's come to tires. Front tire 120x70 ke. Rear tire 190x55. Now I will tell you about the modes. Isme three power modes hai. First one is low, second is medium, and third one is high. लो मोड में 60% पावर होती है, मीडियम मोड में 80% पावर होती है, और हाई मोड में 100% पावर होती है. नाउ आई विल टेल यू अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ ZX10R. इट इज़ ए फुली लोडेड बाइक. इट कम्स विद SKTRC, दैट इज़ कावासाकी स्पोर्ट्स ट्रैक्शन कंट्रोल. अब SKTRC होता क्या है? अगर आप हार्श एक्सेलरेशन दोगे तो बाइक फ्लुएंटली स्पीड पकड़ेगी. इन सिंपल वर्ड्स, टायर जो है वो अपनी प्लेस पे स्लिप नहीं होगा. सेकेंड इज KLCM, कावासाकी लॉन्च कंट्रोल मोड. KLCM क्या करता है? ड्यूरिंग हार्श एक्सेलरेशन ये व्हीली को अवॉइड करता है. थर्ड वन इज KIBS, कावासाकी इंटेलिजेंट एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. किब्स क्या करता है? ड्यूरिंग हार्ड ब्रेकिंग ये व्हील को लॉक होने से प्रिवेंट करता है. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये प्रिवेंट कैसे करता है. ये एक सेकंड में 15 बार प्रेशर लगाता है, इसी की वजह से व्हील जो है वो लॉक नहीं होता और बाइक स्लिप नहीं होती. फोर्थ वन इज KQS, कावासाकी क्विक शिफ्टर. ZX10R में सिर्फ अप शिफ्ट अवेलेबल है. KQS का फंक्शन ये है कि आप एक्सलरेट करते वक्त गियर चेंज कर सकते हैं विदाउट यूजिंग क्लच. KQS का फंक्शन मैं आपको प्रैक्टिकली शो करूंगा इन माय कमिंग वीडियोस. फिफ्थ वन इज KCMF, कावासाकी कॉर्नर मैनेजमेंट फंक्शन. KCMF का फंक्शन ये है कि जब आप ट्रैक पे बाइक को लीन करते हो तो ये आपकी बाइक को एक ही लाइन में रखता है. इन सिंपल वर्ड्स, ये आपकी बाइक को स्लिप होने से बचाता है. सिक्स्थ वन इज KEBC, कावासाकी इंजन ब्रेकिंग कंट्रोल. इसका फंक्शन ये है कि जब आप एक्सेलरेट करना बंद कर देते हो तो ये आपकी बाइक को डी एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देता है. दैट मीन्स इट स्टार्ट स्टॉपिंग योर बाइक विदाउट अप्लाइंग ब्रेक्स. इसको मैं प्रैक्टिकली शो करूँगा नेक्स्ट वीडियो में. नाउ लेट्स कम टू माई रिव्यू बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस टिल नाउ. रिव्यू को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज़ लुक स्लैश अपीयरेंस, सेकेंड वन इज़ परफॉर्मेंस, एंड थर्ड वन इज़ मेंटेनेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट लुक्स. बहुत ही स्लीक एंड शार्प है, एग्रेसिव राइडिंग पोजिशन है. फ्रंट हेडलाइट्स आर नॉट LEDs, बट रियर टेल लैम्प इज ऑफ LED.
नेगेटिव पॉइंट्स ये है कि जो फ्रंट हेडलाइट है दैट शुड बी LED 210 BHP है, दैट्स वाई इट्स वेरी पावरफुल। लाइट वेट है इसलिए पावर टू वेट रेशियो भी हाई है। डायरेक्शन चेंज करने में बहुत आसान है क्योंकि लाइट वेट है। इट इज़ अ कम्प्लीट ट्रैक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क परफेक्टली। नाउ लेट्स कम टू मेंटेनेंस। फर्स्ट सर्विस 8000 की हुई, सेकंड सर्विस होने वाली है। पार्ट्स महंगे हैं बट वो तो हर सुपर बाइक के होते हैं। दैट्स माय फुल रिव्यू, होप यू लाइक इट। अब जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझे DM कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम @prashant.tyagist। थैंक यू वेरी मच एंड कीप सपोर्टिंग।